एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ, वो वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। ये है मिनी मल्टी फंक्शनल स्विंग मशीन, जो कि काफी डिफरेंट फीचर्स के साथ अवेलेबल हुई है। तो मुझे लगा कि इसका रिव्यू मुझे आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, इसीलिए ये मैं वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है और पूरा शिपिंग वगैरह मिलाकर मुझे ये 1191 का अवेलेबल हुआ है। आप अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इजीली बाय कर सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, ये फंक्शंस जो है मैं आपको बता रही हूँ, इन्होंने बीच में दिए हैं। सबसे पहले इसमें बॉबिन रिवाइंडर है, उसके बाद मल्टीपल स्टिचेस पैटर्न है, फिर ये रिवर्स स्विंग है और ड्रॉर भी इंक्लूडेड है इसमें, उसके बाद लॉन्ग लास्टिंग LED लाइट भी है और इंटरचार्जेबल फुट है इसका, और साथ में स्टेनलेस स्टील हुक टिप दी गई है। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जब हम इसको बॉक्स को ओपन करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ है, क्या क्या है। अब साथ में जो एक्सेसरीज दी गई हैं वो हैं, इसमें दो थ्रेड की स्पूल्स हैं, दो मेटल बॉबिन्स हैं, एक नीडल है, एक थ्रेडर है और एक फुट पैडल है, और साथ में इसके अडेप्टर हैं जिससे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलें इसको निकाल कर देखते हैं कि किस तरह का है और क्या क्या चीज़ें इसमें से निकलती हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट लुक तो इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, और जो चीज़ें इसमें है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मशीन है, इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छे से की गई है। ये इसकी मैनुअल बुकलेट है, अगर आप इसके बारे में डीपली जानना चाहते हो तो इसको अच्छे से रीड कर लें, ताकि आपको इसकी समझ लग जाए। वैसे तो मशीन के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा गया है, स्टेप्स दिए गए हैं जिससे आसानी से आप थ्रेड भी डाल सकते हो और सारा कुछ इसका मैनेज कर सकते हो। फिर भी अच्छे से जानकारी लेने के लिए आप इसकी बुकलेट से रीड कर सकते हैं। ये इसका फुट पैडल और अडेप्टर है जो कि इसमें लगाया जाता है। इसके बाद ये उन्होंने छोटी सी किट दी है जिसमें दो थ्रेड हैं और दो ही बॉबिन्स हैं, साथ में नीडल है और एक थ्रेडर भी है जिससे आप इजीली नीडल के होल के बीच में आराम से आप थ्रेड डाल सकते हो। ये 12 अलग अलग तरह के इन्होंने स्टिचेस के डिज़ाइन दिए हैं। अगर आप अपने किसी भी कपड़े के ऊपर, ड्रेस के ऊपर कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो इनको डाल सकते हैं। ये रिवर्स स्विंग बटन है जिसे आप बिना रोके हुए इससे आगे पीछे अपनी स्टिचिंग को कर सकते हैं, और ये हैंड व्हील है जिसको आप अडेप्टर पे लगाए बिना भी, अगर आप धीरे धीरे मशीन पर वर्क करना चाहते हो तो इससे काम कर सकते हो। और यहाँ से थ्रेड डलता है, नीचे जाता है, और ये देखिए ये अप एंड डाउन हो रहा है यहाँ से। और ये जो बटन दिया गया है फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंट स्टिचेस दिए हैं हमें, इनको चेंज करने के लिए है। आपको जो स्टिच डालना है उसी बटन को, आप नंबर को आप घुमाएंगे और इजीली वो स्टिच आ जाएगा। ये यहाँ से इसकी जो थ्रेड है वो डालकर वहाँ से नीचे करके आप नीडल में डाल सकते हो। ये यहाँ पे पीछे देखिए, इसका जो फुट पैडल है और अडेप्टर है उसके जो उसको अटैच करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आप फुट पैडल को अटैच करेंगे और जो दूसरा है वहाँ पे आप इसके अडेप्टर को अटैच करके और इसको आप लगा दोगे स्विच में, ताकि ये चल जाए। और जब भी आप मशीन को स्टार्ट करोगे, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी स्टिच चेंज करना है आपको, तो इसको पहले हमें पीछे से इसका स्विच जो है वो उसको ऑफ रखना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, ये है तो लाइट वेट का है लेकिन काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है इसका। ये यहाँ पे इसका छोटा सा ड्रॉर दिया हुआ है जिसपे आप थ्रेड्स वगैरह या अपनी नीडल्स उनको अरेंज कर सकते हैं। मोस्टली जो छोटी छोटी मिनी मशीन्स होती हैं उनको उनके बीच इतनी कैपेसिटी नहीं होती, लेकिन इसमें इन्होंने ड्रॉर भी दिया हुआ है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है।
ये देखिए फ्रेंड्स, और ये जो है इसका ये प्रेशर फुट लिफ्टर है, जो कि इसको आप ऊपर नीचे करके कपड़े को बीच में आप अरेंज कर सकते हो। ये बॉबिन के लिए स्पेस दिया गया है, जो मेटल की बॉबिन होती है हमारी, उसको इसमें फिट करने के लिए। तो आप थ्रेड डाल के इसके बीच और इसको यहाँ पे फिट कर सकते हो, और नीचे वाला थ्रेड जो लेना है उसको आप, उसके लिए यहाँ पे स्पेस बनी हुई है। वैसे तो मुझे इसकी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो बस नॉर्मल सी स्टिचिंग के लिए ही ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी इसको एक बार मैंने पहले भी एक बार मंगवाई थी, जो मेरी ख़राब हो गई है। वो ऐसी नहीं थी, छोटी सी थी, वो तो काफ़ी दूसरी तरीके की थी। लेकिन ये मैंने नई मंगवाई है, इसका बिल्कुल ही चेंज है सिस्टम, लेकिन ये मुझे काफ़ी पसंद आया। अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, यूज़ करने के बाद पता चलेगा। ये ब्लेड दिया है और इसके साथ LED लाइट का बटन है। फ्रेंड्स, ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी है और आप इसको इजीली बाय कर सकते हो अपने बजट में, बजट फ्रेंडली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। बाय बाय।